देखो जी, वीडियो मैंने फेसबुक पे डाली थी क्योंकि महाराज जी के साथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती हो रही थी। हॉस्पिटल में ये सारी साध संगत खड़ी है जो लाखों में है, किसी को मिलने नहीं दिया जाता था। और मैंने साध संगत को बताया, महाराज जी के बाजू पे माइक लगाया हुआ था जो वीरेंद्र के फोन से जुड़ा हुआ था, और महाराज जी के साथ इसने एक बार धोखा करके और उनको ब्लैकमेल किया हुआ था। मुझे महाराज जी ने पूरी बात बताई थी, ठीक है, पर एक बार रोका था भी एक बार मत बोलना, तो मैं उनके हुक्म से नहीं बोला। जब अब अंतिम समय ऐसा आ गया कि महाराज जी के ये पास किसी को भी नहीं जाने दे रहा था, मतलब भी महाराज जी किसी को बोल के कुछ ना कह दे, तब मैंने लास्ट में वो उसमें पोस्ट डाली थी। और जो पूछना है तो पूछ सकते हो। आज क्या कुछ घटना डेरा में हुई है? आज क्या है जी, वीरेंद्र और उसका भाई बलकोर और एक सतीश लहरी, ये शमशेर लहरी, ये ग्रोवर साहब, नंदलाल ग्रोवर साहब, ये मतलब महाराज जी को लाते ही संस्कार करना चाहते थे फटाफट, भाई संगत को दर्शन ही ना हो और कोई यहाँ बोल लेने हमारे भाई, इन क्यों चोर होता है उसको डर होता है सर, तो इन्होंने फटाफट संस्कार करने की कोशिश की ना, तो सत्संगियों ने इसका विरोध किया तो वीरेंद्र और बलकोर ने संगत पर गोली चला दी। गोली चलाने इस लड़के पे गोली चलाई उसने, इसके ऊपर दो फैंक थी। ये बच गया जी, सुनो इसकी भी। असि उ चले गए, असि सारा कुछ आराम ना देख रहे थे, भीड़ हलचल होने लग गई, तो इस बाद जो असी अगे हुए थोड़ा जा, तो वीरेंद्र ते वीरेंद्र का भाई आए, तो दोनों ते वीरेंद्र के भाई ने मेरे उत्ते दो फायर करे, तो वह गलती नाल फायर जो मेरे उत्ते चलाए, वह साइड दे लंघे, तो किसी के भी लग सकते थे, किसी के भी लग सकती थी जी। पुलिस प्रशासन है, कुछ शिकायत दर्ज करवा दी? नहीं, पुलिस प्रशासन को शिकायत दर्ज करवा रहे हैं जी, अभी लिख दी है, दो एप्लीकेशन हम डाल रहे हैं और लिख के पुलिस प्रशासन को अब दे रहे हैं। मेरे को SHO सिटी शैलेंद्र सिंह जी ने कहा है कि आप कालांवाली दे के आइए, तो कालांवाली लड़के भेज दिए हैं शिकायत दे के। एक और जो महाराज जी अलमारी है वो साथ संगत, हाँ ऐसा सुनने में आ रहा है कि साथ संगत की एक डिमांड है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते तब तक महाराज जी का जो अंतिम संस्कार है नहीं हो पाएगा, इस तरह की नहीं? देखो जी, महाराज जी का अंतिम संस्कार पर फैसला लिया है, कल 2 बजे हम करेंगे उस गिरफ्तार प्रशासन करेगा, ये प्रशासन उससे पहले हम महाराज जी की बॉडी को नहीं रोकेंगे, उनका संस्कार। मेरी भी गल सुन लो एक मिनट, मैं चाहना भी बाबा जी की बॉडी का पोस्टमार्टम होवे, तो उसकी जाँच होनी चाहिए, CBI जाँच होनी चाहिए। सानू ये शक आ भी बाबा जी चोला कई दिन पहले ही छड़ चुके थे, तो ये अज उन्होंने लैके आया, तो इस करके इन्हों की बाबा जी की बॉडी की CBI जाँच होनी चाहिए आ, तो जी बाबा जी की अलमारी आ CBI की जाँच भी खुलनी चाहिए आ, यही असं प्रशासन तो मांग करते हैं। तो इस करके देखो जी, बात यह है कि महाराज जी की यहाँ अलमारी है जो उनके फिंगरप्रिंट से खुलती थी, उसके अंदर बहुत ज़रूरी कागजात हैं महाराज जी के, ठीक है भाई। ये जो अलमारी है महाराज जी की, पता नहीं उन्होंने किसके नाम क्या लिख रखा है, ये प्रशासन की देखरेख में खुलनी चाहिए। और ये जो वसीयत इन्होंने ज़बरदस्ती लिखवाई है, महाराज जी को ब्लैकमेल किया है, इसकी पूर्णतः उच्च स्तर पर जांच होनी चाहिए, CBI इसकी जांच करे। और एक प्रश्न लास्ट में मैं ये रखता हूँ कि ये वीरेंद्र और इसका भाई जब डेरे में आए थे, इन दोनों के कच्चा बनियान थे, और आज इनके पास करोड़ों की संपत्ति है, वो कहाँ से आई, उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि कुछ लंबे समय से पूजे संत जी साजिश का शिकार हो गए थे? हाँ, पूजे लंबे समय से महाराज जी इसका शिकार हो गए थे, इसने मतलब धोखा किया, बहुत बड़ा धोखा किया था महाराज जी के साथ, तो महाराज जी चाहते थे भाई मेरे गुरु की गद्दी बदनाम ना हो, तो वो चुप कर गए और ये ब्लैकमेल करता रहा। संगत की कोई डिमांड सामने आई कि कौन? हाँ देखो, संगत फैसला ले रही है जी, दो गांव हैं यहाँ,
जगमाल वाली पीपली नज़दीक, इनके मौजूद आदमी इकट्ठे हो रहे हैं और वो इकट्ठा लेके फैसला करेंगे। बाकी जो अलमारी में भी निकलेगा वो देखेंगे और उस हिसाब से सारी संगत से सहमति करके फिर किसी को बिठाया जाएगा। अमर सिंह जी, सुनने में आ रहा है कि पूजे संतों ने आपसे भी पहले इससे मुलाकात की थी कोई गुप्त में, हाँ, इस वक्त भी पूजे संतों ने आपको कुछ ऐसा भेद बताया था कि वो किसी साजिश के शिकारों को पेश रहे? हाँ जी, मैंने 27 जनवरी 2023 को ग्रोवर साहब को फ़ोन किया था। मुझे पता चल गया था भी ज़बरदस्ती वसीयत लिखा रहे हैं, तो मैंने ग्रोवर साहब को फ़ोन किया, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है और ग्रोवर साहब भी यहाँ है, अगर पूछना चाहो तो पूछ लो। फिर इन्होंने बात टाल दी, मुझे गुस्सा आ गया, मैं दूसरे दिन दिल्ली चला गया महाराज जी के पास। महाराज जी के पास गया तो महाराज जी ने मेरे को जाते ही पहले दर्शन दिए और फिर मेरे को फ़ोन किया, बोले अमर सिंह तेरे को, बोले जो शब्द बोल रहे हैं वही बोल रहा हूँ, तेरे को सब माफ़ी है और तू फिक्र ना कर, हम तेरे को बता देंगे। फिर मेरे मन में ये भावना रहेगी जी भी मैं महाराज जी से अकेला नहीं मिल पाया। फिर 10 मिनट बाद आदमी आया और महाराज जी इन किसी को पता नहीं लगने दिया, महाराज जी मेरे अकेले से मिले और उन्होंने कहा कि मेरे साथ धक्का हो रहा है, ज़बरदस्ती हो रहा है, पर एक बार तुम मत बोलना। अच्छा, मेरे को रोक दिया था, ये बात थी। और यहाँ डेरे में मैंने स्टेज पे एक जो बाबा जी का आगू है, लॉकडाउन के टाइम बाबा जी के ये पास नहीं लगने देते थे, बाबा जी ने मेरे को फ़ोन करके बुलाया। मैंने कहा जी लॉकडाउन में डेरा तो बंद है, बोले तू आ हम खुलवाएंगे गेट, मेरे लिए इन्होंने गेट खुला दिया। और फिर ये कहने लगे, इन्होंने ये लकड़ियों का लगा रखा था वो आगे भी महाराज जी के कोई नज़दीक ना आ जाए, वो शिवहरी कहने लगा भी इसके आप नज़दीक मत आना। ऊपर से महाराज जी आते आए, मेरे को देखते ही बोले अमर सिंह आ गया कि मैं, हाँ जी, कहने आया फिर उतर चलिए। तो जब वीरेंद्र साथ जाने लगा तो इसको जाने नहीं दिया, महाराज जी अकेले मेरे को ऊपर लगे, ले गए ऊपर। हाँ, और महाराज जी ने 23 मिनट तक मेरे साथ पर्सनली बात की और फिर महाराज जी ने ये भी कहा भी यहाँ किसी से मिल के मत जाना, सीधा घर जाना। ये बात जो है जी मैं बता रहा हूँ। तो कोई आखिरी पलों में कुछ संतों ने कोई गद्दी सार्वजनिक करने की कोई बातचीत, कोई रस्म पगड़ी ऐसा कुछ हो पाया? नहीं, होता कैसे जी, इसने ब्लैकमेल करके, आप सारी संगत से पूछिए, लाखों की संगत है, किसी को ही नहीं मिलने दिया।